हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोग आज उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एम्प्लॉयर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, तो एक्चुअली ये आर्टिकल 10 R-164 ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो आर्टिकल 10 है, और आर्टिकल 10 का जो रिकमेंडेशन 164 है उसके तहत क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, क्या ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर के ऊपर, जो एम्प्लॉयर को किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में इन रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यानी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एम्प्लॉयर की कि जब भी वो कहीं भी किसी तरह का कोई काम कराए तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जरूर क्या करे, पूरा करे। जिसमें पहला है कि प्रोवाइड वर्क प्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट एंड यूज मेथड व्हिच आर सेफ एंड पोज नो रिस्क टू हेल्थ। पहला पॉइंट ये कहना चाहता है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वर्कर जिस प्लेस पे काम कर रहा है, जिस जगह पे काम कर रहा है, जिस इक्विपमेंट यानी जिस मशीन और यंत्र को लेके काम कर रहा है और जिस मेथड से यानी जिस तरीके से वो काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा सेफ होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई रिस्क वर्कर को नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर करना चाहिए एम्प्लॉयर को सबसे पहले कि वर्क प्लेस, वर्क इक्विपमेंट एंड मेथड ऑफ वर्क बिल्कुल सेफ रहना चाहिए, किसी तरह से हेल्थ रिस्क नहीं रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता है कि प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। कोई भी वर्कर अगर न्यू किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले वो एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मतलब उचित उनको निर्देश दे कि किस काम को किस तरह से करना है। सपोज वर्क एट हाइट पे काम करना है तो उनको इंस्ट्रक्शन दे कि वर्क एट हाइट पे काम किस तरह से किया जाता है, वर्क एट हाइट पे क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेके हमको काम करना है। वर्क एट हाइट पे जब भी हम लोग काम करेंगे तो फुल बॉडी हार्नेस लगा करके हम लोग पहन के ही हम लोग काम करेंगे, तो ये सारा उनको इंस्ट्रक्शन दे। और वर्क एट हाइट पे काम किस तरह से सेफली किया जाता है उसकी वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे। तो एप्रोप्रिएट का मतलब होता है यानी उचित, उचित निर्देश भी दे और उचित उनको प्रशिक्षण यानी उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराए ताकि वर्कर सेफली काम कर सके। अगला पॉइंट है प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है देखरेख, निगरानी, यानी वर्कर कहीं भी कोई काम करता है तो उनकी देखरेख के लिए सुपरवाइजर को भी क्या करे, अपॉइंट करे। यानी सपोज अगर वर्क एट हाइट पे काम चल रहा है, कन्फाइंड स्पेस पे काम चल रहा है या किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी अगर चल रही है तो वर्क साइट पे एक सुपरवाइजर का रहना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, सुपरवाइजर इज ए की पर्सनल टू एक्सीडेंट प्रिवेंशन। सुपरवाइजर को बहुत ही अहम व्यक्ति माना जाता है एक्सीडेंट रोकने में, और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि अपने सुपरविजन में सारे काम को कराए, किसी तरह का अगर हेल्थ रिस्क से रिलेटेड कोई भी इश्यू उनको नजर आता है तो उसको शट आउट करें। तो सुपरवाइजर जो होता है वो बहुत ही अहम व्यक्ति होता है किसी भी कार्य क्षेत्र का, और वर्कर को अपनी निगरानी में रखकर वो काम को सेफली कराता है। तो इसलिए एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि जो भी नेसेसरी सुपरविजन है वो सुपरवाइजर क्या करे, वो प्रोवाइड कराए। अगला है कि पुट इन प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट एडॉप्टेड टू सूट द साइज एंड नेचर ऑफ द अंडरटेकिंग। ये कहना ये चाहते हैं कि हेल्थ और सेफ्टी का अरेंजमेंट भी वहां प्रॉपर होना चाहिए। हेल्थ और सेफ्टी का अगर अरेंजमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली वहां ज्यादा से ज्यादा हैजर्ड, रिस्क और इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जरूरी होता है कि काम किस तरह का हो रहा है, उस काम का नेचर क्या है, जैसे हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, वर्क एट हाइट है, कन्फाइन स्पेस में काम हो रहा है, ठीक है, छोटा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ और सेफ्टी को क्या करें, वहां अरेंज करें। अगर हेल्थ और सेफ्टी को प्रॉपर अरेंज किया जाता है तो डेफिनेटली वहां इंजुरी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और रिस्क टू हेल्थ होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला पॉइंट है प्रोवाइड एनी नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट फ्री ऑफ चार्ज। आपको पता है कि पीपी इज ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड बिटवीन वर्कप्लेस हैजर्ड्स एंड वर्कर, है ना।
पीपी का एक तरह से डिफिनेशन ये होता है कि कोई भी वर्कर जहां काम करता है वहां किसी तरह का अगर हैजर्ड्स होने की संभावना होते हैं तो उन हैजर्ड्स और वर्कर के बीच एक ढाल और एक आड़ का काम पीपी करता है। जैसे हैंड प्रोडक्शन है, बॉडी प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन है, आई प्रोडक्शन है, हेयरिंग प्रोडक्शन है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। तो वर्कर किस तरह का काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो नेसेसरी पीपी है, जो आवश्यक पीपी है यानी व्यक्तिगत सुरक्षा यंत्र जिसको कहा जाता है, वो देना एम्प्लॉयर की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। और फ्री ऑफ चार्ज यानी कोई भी उससे वर्कर से कोई भी इसका रुपया नहीं लेना है, कोई भी चार्ज नहीं लेना है। सपोज वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं तो हमको फुल बॉडी हार्नेस देना है। अगर केमिकल से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं तो केमिकल रेसिस्टेंट जो ग्लोव्स होते हैं वो हमको देना है। अगर हम लोग किसी कन्फाइन स्पेस के अंदर काम करते हैं जहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है तो सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपराटस हमको दे करके तब वर्कर को काम वर्कर से काम लेना है। तो इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ पीपी, अलग अलग पीपी होते हैं, जिस तरह का काम होता है उस काम है उस तरह के हैजर्ड्स होते हैं और जिस तरह के हैजर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको पीपी यूज करना पड़ता है। अब हम हैंड प्रोडक्शन की बात करें तो अलग अलग तरह के हैंड प्रोडक्शन यानी हाथ का सुरक्षा करने वाला हैंड ग्लोव्स आते हैं। जैसे लेदर ग्लोव्स है ना, केरोसिनिक ग्लोव्स है, कट रेसिस्टेंट ग्लोव्स है, रबर कोटेड है ना फैब्रिक ग्लोव्स है ना, नेट्राइल ग्लोव्स है। तो हमको देखना यह पड़ता है कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बिजली से काम कर रहे हैं तो हमको डाइलेक्ट्रिकल ग्लोव्स पहनना पड़ता है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जहां हाथ के कटने का और चुभ जाने का किसी ऑब्जेक्ट का अगर चांसेस है तो हम लोग कट रेसिस्टेंट ठीक है या री इन्फोर्स्ड है ना ग्लोव्स हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहनना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि इंश्योर है ना, इंश्योर द आवर्स। एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। इंश्योर द है ना आवर्स ऑफ द वर्क डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट एम्प्लॉयर सेफ्टी एंड हेल्थ। यह कहना चाहते हैं कि वर्कर से जो हम लोग काम लेते हैं ठीक है तो उसके टाइमिंग का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है ठीक है। हम वर्कर से ज्यादा देर तक टाइम काम नहीं ले सकते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10 घंटा ही हम काम ले सकते हैं, इससे ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं। हर 4 घंटा और 5 घंटा के बाद उनको हमको कम से कम है ना 30 से है ना 50 मिनट तक का हमको क्या देना पड़ता है, ब्रेक रेस्ट देना पड़ता है। तो यह कहना चाहते हैं कि वर्कर का जो वर्किंग आवर्स होते हैं यानी कार्य करने का जो समय सीमा होता है वो इतना ज्यादा ना हो कि वर्कर पर, वर्कर के हेल्थ पर, वर्कर के स्वास्थ्य पर, वर्कर के सुरक्षा पर उसका प्रभाव पड़े। क्योंकि ज्यादा काम लेंगे तो वर्कर के अंदर थकान होगा और जब वर्कर थक जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसीलिए स्टैंडर्ड यह कहता है कि हम किसी भी वर्कर से हम 8 से 10 घंटा से ज्यादा काम ना लें, हर 5 घंटा के बाद उनको जरूर हम लोग हमें लंच ब्रेक रेस्ट ब्रेक दें और एक हफ्ते में एक दिन ऑफ हम जरूर दें, यानी संडे दें या कोई दूसरे दिन दें, लेकिन एक हफ्ते में एक दिन हमको उनको छुट्टी है हॉलीडे ऐसे ऑफ जरूर दें। अगला है टेक मेजर टू एलिमिनेट एनी एक्सट्रीम फिजिकल एंड है ना मेंटल फैटिग्स। या कहना ये चाहते हैं कि जो वर्कर से हम लोग काम लेते हैं या वर्कर के द्वारा जो भी काम लिया जाता है तो ऐसा काम ना लें जिससे वर्कर के है ना फिजिकल और मेंटल पर क्या पड़े, उसका असर पड़े। यानी ऐसा काम सपोज अगर वर्कर से हम बहुत ही फिजिकली यानी बहुत ही ताकत लगाने वाला काम ले रहे हैं, सपोज अगर खुदाई का काम हम वर्कर से करवा रहे हैं, जो वर्कर मैन्युअली खुदाई कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि खुदाई का काम कितनी ताकत वाली होती है। वर्कर से मैन्युअली हैंडलिंग करवा रहे हैं यानी वर्कर से कोई बोझ हम एक जगह से दूसरी जगह उठवा रहे हैं तो ये भी काफी ताकत वाली काम होती है। तो इतना ज्यादा यानी 8-8 घंटा 4-4 घंटा लगातार उनसे हम काम ले रहे हैं या वर्कर को किसी बात से हम मेंटली क्या कर रहे हैं, काफी है ना फैटिग कर रहे हैं, मेंटली काफी टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये भी हमको नहीं करना है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है
कि वर्कर के ऊपर अगर कोई ऐसा प्रेशर पड़ता है जिससे उसका फिजिकल और मेंटल फैटिग्स हो रहा है, बहुत ज्यादा वो थकान महसूस कर रहा है, वो मेंटली अपने आप को हेल्दी नहीं महसूस कर रहा है, मेंटली वो अपने आप को बहुत ही है ना प्रेशर में महसूस करता है, तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वर्कर को मैक श्योर करना चाहिए कि वर्कर फिजिकल और मेंटल फ्री हो और हमेशा वो क्या रहे, वेल बीइंग रहे। अगला पॉइंट है स्टेप टू टेक विद द नॉलेज इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द अबोव। यहां कहना ये चाहते हैं कि जो भी काम होता है, जो भी काम लिया जाता है वर्कर के द्वारा, ठीक है, तो वर्कर को वो सारे काम का नॉलेज भरपूर होना चाहिए। समय समय पे हमारा काम बदलते रहता है, काम हमारा चेंज होते रहता है। सपोज आज हम लोग एक्सकवेशन यानी मिट्टी की खुदाई का काम कर रहे हैं, कल हम लोग वर्क एट हाइट पर काम कर रहे हैं, एक दिन फिर हम लोग अगले दिन हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले हैं, फिर किसी दिन हम लोग केमिकल का काम करने वाले हैं, तो हमारा काम क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है, तो हमको वर्कर को भी हमारा नॉलेज क्या होना चाहिए, अपग्रेड होते रहना चाहिए। जिस तरह का काम होगा उस काम के अकॉर्डिंग हमको वर्कर को क्या करना है, ट्रेंड करना है और वर्कर को नॉलेज देना है और वर्कर को ट्रेनिंग देना है। डेफिनेटली जमीन पे जो काम होता है वो डिफरेंट होता है वर्क एट हाइट पर। जमीन पे उतना रिस्क नहीं होता जितना वर्क एट हाइट पे रिस्क होता है, तो इसीलिए उनको अप टू डेट करते रहना नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगला इंश्योर दे केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड एजेंट्स अंडर देयर कंट्रोल एंड है ना विदाउट रिस्क टू हेल्थ। या कहना ये चाहते हैं कोई केमिकल है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट्स है या इस तरह का कोई भी सब्सटेंस है, कोई तत्व है जो टॉक्सिक्स है, ठीक है, हार्मफुल है, पॉइजनस है, गैसियस है, ठीक है, और फ्लेमेबल है, एक्सप्लोसिव है, तो ऐसे केमिकल्स के बारे में भी जो इम्प्लॉयर होते हैं उसको इंश्योर करना है कि किसी तरह से वर्कर के हेल्थ को लेकर के कोई रिस्क ना हो। वहां किस तरह का कंट्रोल मेजर लेना है, किस तरह की सेफ्टी लागू करनी है, वर्कर को किस तरह से ट्रेनिंग देनी है ताकि वर्कर जब इस तरह के कोई भी है ना केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के साथ जब वो काम करे तो फिजिकली उसको हार्म ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। तो ये था हमारा इम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्स।